अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा व्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। चलिए फिर मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक और रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं ग्रॉसरी के साथ इडली का बैटर मंगाई हूँ, तो वो इडली के बैटर का आज मैं इडली बनाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने इडली का जो है पॉट लिया है, इसमें मैंने इतना पानी लिया है, ये मार्किंग आपको दिख रही है, इतना ही पानी हम लेते हैं। अब मैं इसको गैस पर रख दूंगी, ये इडली का साचा। ये मॉर्निंग का टाइम है, जैसे कि आपको मालूम है, एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं इडली बना रही हूँ, ठीक है। और ये हमारा बैटर है, ये आप देख लीजिए बैटर, माशाल्लाह से ये बैटर बहुत इसका अच्छा होता है और खाने में इसकी इडली भी बहुत अच्छी बनती है। ये 1 kg बैटर है और ये मैंने लिया है ऑयल। अब मैं इसमें ग्रीस करूँगी इस तरह हमें चारों जो साँचे हैं हमको ग्रीस कर लेना है, ठीक है, ताकि इडली जो है अच्छे से इस पे जमे। अब ये देखिए, अब इस साँचे में मैं डालूँगी इडली। जैसी आपको बड़ी छोटी इडली चाहिए आप उतनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने चारों साँचे में इडली का बैटर मैंने डाल दिया है। अभी ये मैं इसमें रखूँगी, हमारा पानी जो है गर्म हो गया है इस तरह, ये आप देख सकते हो। और ये मैं लिड लगा दूँगी। जब तक हमारी इडली हो रही है, हम मीनवाइल चटनी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने लिया है खोपरा जो मैंने मंगाया था, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। मैंने इसमें लहसुन लिया है, ठीक है, ये आपको लहसुन दिख रहा होगा, और हरी मिर्ची ली है मैंने, और ये हरा धनिया है। अब मैं इसको सारे को मैं मिक्स करके चटनी पीस लूँगी। अब इसमें हम डाल देंगे चटनी का अपना जो भी है मटीरियल। और ये हमारा धनिया, और ये हमारा सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट। अब मैं इस पे लिड लगा दूंगी। हमारी चटनी जो है पीस कर रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से हमारी चटनी बहुत ही अच्छी हुई है, देखिए एकदम दानेदार। ये देखिए, हमारा जो है चटनी बनकर रेडी हो चुका है, खोपरे की चटनी। इसको बघार में थोड़ी देर के बाद दूंगी। चलिए फिर देखते हैं हमारी इडली बनकर रेडी हुई है कि नहीं। अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। वाओ, माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं हो गई है हमारी इडली। अब मैं इसका साचा निकाल कर नीचे रखूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए, ठीक है, फिर हम इडली निकालेंगे। ये देखिए, हमारी जो इडली है चारों पैन की अच्छे से हो चुकी है और स्टीम आपको निकलती हुई नज़र आ रही होगी। अभी थोड़ा हम इसे ठंडा होने देंगे और थोड़ी देर के बाद हम एक एक इडली निकालेंगे। अभी हमारी राई हो गई है, ये सूखी मिर्ची, और ये मैं कड़ी पत्ता वॉश करके रखी हूँ,
और ये अब चटनी इसमें डालते हैं। हमारी इडली की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। फिर अब हम इडली को रिमूव करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इडली बहुत ही अच्छी निकली है। अब मैं इस पे रख दूंगी। माशाल्लाह से हमारी इडली जो है बनकर रेडी हो चुकी है और विद खोपरे की चटनी के साथ आप सर्व करिए और खाने में बहुत ही लाजवाब है और बनी भी एकदम सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं एकदम स्पॉन्जी बनी है, ठीक है। और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप ये इडली बनाकर अपने घर वाले लोग को खिला सकते हैं और खाने में बहुत ही हेल्दी है इडली। आप चाहिए तो अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर मुझे बताना नहीं भूलना कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है और इसका फ्लेवर चटनी के साथ बहुत ही मस्त आ रहा है। अच्छा लग रहा है खाने में? और ये आपका सॉफ्ट है। चलिए फिर, आप लोगों को मेरी इडली की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताना नहीं भूलना। और चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।